वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। देश का प्रधानमंत्री खुद को चाय वाला कहकर संबोधित करता है, ऐसे में चाय वालों की राय जानना बेहद जरूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आगरा के एक टी स्टॉल पर और बात करता हूँ उनसे और जानता हूँ क्या है उनकी राय। सर, क्या नाम है आपका? किशन। किशन जी, पहला सवाल आपसे ये कि 2019 लोकसभा चुनाव राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? क्योंकि युवा जनरेशन है और जब मोदी जी को मौका मिल गया है तो अब राहुल जी को मिलना चाहिए। आप, मोदी ने अभी 5 साल कार्यकाल किया है, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, ऐसे कौन से उनके कार्य रहे जिनसे आप नाखुश रहे, ऐसे कौन से कार्य रहे जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे थे? एक तो नोटबंदी और बेरोजगारी जो उनके मेन मुद्दे थे जिसपे कोई सफलता हाथ नहीं आई। राहुल गांधी ने अभी 72,000 रुपये के लिए न्याय योजना का ऐलान किया है, न्याय योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो तो जब सरकार आएगी जब पता लगेगी उसकी हकीकत, देते हैं नहीं देते हैं, अभी तो घोषणा ही है। मतलब आप उनका जो वादा है 72,000 रुपये का, आपको लगता है कि पूरा होगा? नरेंद्र मोदी ने भी किसानों के लिए बात की है कि वो 6,000 रुपये देंगे, 6,000 बनाम 12,000, क्या ज़्यादा सही है? अब ये तो जब भी पालन पड़ेगा ना हकीकत में, अभी तो दोनों की घोषणा ही है, उनके भी अभी 2 किस्तें आई हैं, उनकी भी फाइनल नहीं पहुँची है 6,000 रुपये। नई सरकार से ऐसे 3 अहम मुद्दे जो आप चाहते हैं कि जिन पे वो सरकार बनते ही सबसे पहले काम करे, वो 3 मुद्दे क्या? बेरोजगारी और शिक्षा और जो पब्लिक की आम सहूलियत है उस पर फोकस देना चाहिए। तो ये थे किशन जी, जहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री खुद को चाय वाला कहकर संबोधित करते हैं, तो वहीं आगरा के ही एक टी स्टॉल मालिक कहते हैं कि उन्हें राहुल गांधी की सरकार चाहिए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ आगरा में और मेरे साथ हैं देश का युवा। एक तरफ जहाँ देश में मोदी लहर चल रही है, कहीं लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि लहर 2014 के मुताबिक कम हुई है, तो ऐसे में बात करते हैं कि क्या है आगरा का रुख 2019 लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। क्यों? सबसे अहम बात सुरक्षा का, देश के अंदर इन 5 सालों के अंदर बहका माहौल खत्म करने वाले नरेंद्र मोदी, कहीं भी आतंकवादी घटना को न अंजाम देने वाले नरेंद्र मोदी, और जनता उनके विकास कार्यों को हमेशा अव्वल रखने वाले मोदी, समाज में हर तबके के लोग को सबसे आगे रखने वाले मोदी, गरीब को 10% आरक्षण देने वाले मोदी, हम मोदी के साथ जन्म जन्मांतर से हैं और बीजेपी पार्टी के साथ रहेंगे, और देश का युवा भी बीजेपी पार्टी के साथ है और बीजेपी पार्टी के साथ ही रहेगा। राहुल गांधी ने अभी 72,000 रुपए की घोषणा की है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से जो न्याय योजना आएगी, जो उन्होंने बोला है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 72,000 रुपए दिए जाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? 72,000 रुपए जिस सरकार, जितनी इनकी कांग्रेस की पिछली सरकारों ने जितने घोटाले किए, ये तो 72,000 होंगे, गरीबों का 72,000 करोड़ों का खून पी गए, जे क्या 72,000 रुपए देंगे? आखिरी सवाल, 2019 में जिसकी भी सरकार बने, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो भाजपा हो, वो 3 अहम मुद्दे जिन पे लगता है आपको सरकार को सबसे पहले काम करना चाहिए? जमीनी स्तर के काम हो, जन समस्याएं दूर हो, बेरोजगारी जो मतलब हमारे देश में दर बदर हौले हौले बढ़ रही है वो भी खत्म हो, हालांकि उस पर प्रयास पूरे कायम है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम पूरे होना चाहिए, सड़क को लेकर, नाली गरंजों को लेकर, व्यापार को लेकर, किसी भी चीज़ की कोई समस्या न रहे। सबसे अहम बात, जो मतलब आपराधिक मामले हैं, जो मतलब बहन बेटियों पर जिस तरीके की कोई दिक्कतें आती हैं, वो सब कुछ दूर हो, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो। सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे कह चुका कि मोदी जी ने सबसे पहले हमारे देश के अंदर से बहका माहौल खत्म कर दिया, जहाँ आदमी घर से निकलने में सोचता था कि कहीं आतंकवादी घटना नहीं हो जाए, कभी बस में कभी ट्रेन में, पिछले 5 सालों में आज सुरक्षित अपने देश के अंदर सफर कर रहा है। हालिया कई ऐसे केस सामने हैं मॉब लिंचिंग के, यानी भीड़ द्वारा कुछ लोगों को पीटे जाने के, जिसमें ज्यादातर जो शिकार बने हैं वो मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं, क्या लगता है ये आरोप है सरकार को बदनाम करने का या मोदी सरकार के दौरान मुस्लिम परिवार असुरक्षित हुए हैं? देखो, ये चीज़ तो ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप तो लगाती है अदर पार्टियाँ, लेकिन ये कि अगर हमें किसी जीव की रक्षा करनी है
तो आरोप प्रत्यारोप तो जिंदगी भर चलते रहेंगे। अगर हमें कुछ भला करना है तो बुराई तो लोग देंगे ही, और बुराई अगर कुछ अच्छाई करने निकले तो हमें इन सब चीज़ों को देखना नहीं चाहिए। आखिरी सवाल यहाँ पे मौजूद सभी लोगों से एक आवाज में जानना चाहूंगा, राहुल गांधी या पीएम नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो ये तो साफ हो गया है कि जो आगरा का रुख है वो भाजपा की ओर है। 2014 की जो लहर है उसको आप क्या मान रहे हैं कि अभी वो बड़ी है या कम हुई है? उससे ज्यादा सुनामी आएगी सर, देखिएगा अभी। तो यहाँ पे जो आगरा है वो ये साफ कह रहा है कि 2014 की जो हवा थी, जो लहर थी मोदी लहर, वो इस बार सुनामी में बदलाव हो चुकी है। तो ऐसे में पता लगेगा 23 मई को कि आखिर कौन जीतेगा।